पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही छोड़ दी उसने। वो तो पागल है, बेवकूफ़ है, उसका कुछ दिमाग ख़राब लग रहा है मुझे। जो जिसने ये हरकत की है, ये बात की है, वो गोली के काबिल है बंदा, गोली मार देना चाहिए, गोली के ऑर्डर होने चाहिए उस। पाकिस्तान पागल हो गया है हिंदुस्तान की तरक्की देख के, दूसरे देश हिंदुस्तान की तरक्की देख के उनमें हौसला पैदा हुआ है कि अमेरिका में हौसला पैदा हुआ है कि हम जो इकोनॉमिक क्राइसिस में है हिंदुस्तान से हम की वजह से बच जाएंगे। सऊदी अरब जो है वो खिलखिला रहा है कि हिंदुस्तान के साथ हमारी दोस्ती का नतीजा ये है कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, और अमेरिका जाकर पाकिस्तान की सिटीजनशिप को कैंसिल करके अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेते हैं, और लेने के बाद वो हिंदुस्तान का झंडा उठाकर कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा जज्बा है, हम जज्बे से शिकस्त देंगे, हमारा दिल है। रोटी नहीं होगी, खाएंगे नहीं, भूखा लड़ सकते, लड़ सकते हैं हम, पानी पी के गुजारा कर सकते हैं। हिंदुस्तान ये अगर ये चाहेगा ना कि मैं उधर से बमबारी करके कुछ कर लूंगा, ये उनकी सोच है, गलत सोच है। पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ये है कि चित्राल में कई मोर्चों के ऊपर जो इनके पाकिस्तान आर्मी के मोर्चे थे उनके ऊपर तहरीक तालिबान का कब्जा है। बलोचिस्तान में इस वक्त 12 से ज्यादा ऐसी चौकियां हैं फौजी, पाकिस्तानी फौज की, जिन पर बलोच लिबरेशन टाइगर्स, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फ्रंट ने कब्जा कर लिया है। कि ये पाकिस्तान की आखिरी हिचकियां हैं। आज की ताजा खबर यह है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट ने, जो पाकिस्तान का ऐसे जिगरी यार था, उसने पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अक्साई चीन को यूएई के जो वर्ल्ड मैप है उसमें दिखा दिया। वो मुसलमान वहां पर हैं, लेकिन झंडा तो इन्होंने काफिरों का उठाया ना, क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ उसे गोली का ऑर्डर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और सब्सक्राइब करना, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाना। दोस्तों, वीडियो को पूरी जरूर देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक पाकिस्तानी लड़का छोड़कर पाकिस्तान से चला गया अमेरिका जाकर, उसने कहा कि भाई सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान को पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही छोड़ दी उसने। वो तो पागल है, बेवकूफ़ है, उसका कुछ दिमाग ख़राब लग रहा है मुझे। जो जिसने ये हरकत की है, ये बात की है, वो गोली के काबिल है बंदा, गोली मार देना चाहिए, गोली के ऑर्डर होने चाहिए उस बंदे को। ये पाकिस्तान है, मुल्क है ये हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, ठीक है ना, ये कलमे पे मुल्क बनाया, तो ये इस कलमे को छोड़ के तो हम एक गलत मुल्क में जाए। क्या कह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ उसे गोली का ऑर्डर होना चाहिए, नहीं तो हम इसको पुल के साथ फांसी दे देंगे। इधर उस बंदे को, जो शयान लड़के ने जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप को कैंसिल करके अमेरिकन ले लिया, वो हिंदुस्तान की तारीफ कर रहा, तो उसको क्या करेंगे? तो ये बिल्कुल, मैं नहीं समझता ये मुनासिब है, ये बिल्कुल बहुत गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी करे, जाएँ कमाने के लिए जाएँ, ठीक है, हर कोई जा रहा है कमाने के लिए, लेकिन इस तरह अपना मुल्क तो ना छोड़ें। कलमा पड़ा हमारे नबी का, मुसलमान है, काफिर बन गए हम 4 पैसों के लिए, क्या हुआ है? ये अवाम कहाँ चली जा रही है, अपना दीन छोड़ रही है, इतना प्यारा दीन है। कौन 5 वक्त का वजू करता है उधर, करते हैं? कोई नहीं करता नमाज 5 वक्त, कौन पढ़ता है? पाकिस्तानी पढ़ते हैं, मुसलमान पढ़ते हैं, हमारा दीन इस्लाम है। और मुझे हिंदुस्तान पसंद है, पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान पसंद है। लेकिन देखें, अगर उसको पसंद है तो ठीक है, वो चला गया, फिर घर वालों को भी वहाँ पर ले जाए, अपने गया घर वालों को चले, अच्छी बात है उसकी, फिर वो अलग हो गया मुल्क से जाए। ऐसे बंदों की कोई इस्लाम में सज़ा है कि जिस ऐसा बंदा कोई अपना मुल्क छोड़ कर जाए तो बाहर जाकर कहे कि भाई पाकिस्तान अच्छा नहीं, मैं अमेरिकन हो गया हूँ? ये तो भाईजान किसी मौलवी से पूछना पड़ेगा या किसी जाकर से पूछ। आप क्या कहेंगे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि कोई ये मुल्क छोड़ता है या दीन हमारा छोड़ता है उसे सजा दी जाए या उसे मारा जाए, नहीं, जो जाता है जाए। जो हमारे भी देखो ना, कितने मुसलमान हुए हैं, कितने लोग मुसलमान हुए, लेकिन हमने कबूल किए हैं कि कोई बात नहीं, आने दे, कोई भी आएगा, सवाब का काम है, ये जन्नत खरीदना है, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए कि मुल्क छोड़ के जाए। अब एक बंदा है जो पाकिस्तान में जिसका गुजारा नहीं, और अमेरिका जाकर वो उसका गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है, ठीक है, लोग जा रहे हैं, गुजारा करें अपना, ठीक है। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सिटीजन कैंसिल करके, किसी ने कैनेडा के लिए, किसी ने इंडिया के लिए, किसी ने बाहर के मुल्कों के लिए, ऐसे ही है, बिल्कुल है। यहाँ पर महंगाई आप देख लें कितनी ज़्यादा है, और यहाँ से लोग भाग रहे हैं, खुद ही भाग रहे हैं, किस लिए भाग रहे हैं? पेट के लिए भाग रहे हैं, हम कमाएँगे, अब अपने बच्चों को खिलाएँगे, खुद खाएँगे, रात को आटा लेके जाते हैं, सुबह घी ख़त्म होता है, क्या करें हम लोग? ये ऐसे जीने से अच्छा है तो एक दो बार फांसी ले लें या जहर ले लें। ये देखें, अभी सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दिहाड़ी करते हैं हम लोग, मर मर के सुबह से क्या दिहाड़ी देते हैं, 1000, 1100, 1200।
ये मुल्क तो नहीं चल रहा। अब जाऊंगा घर का आटा लूंगा, घी लूंगा, फिर कहेंगे चीनी खत्म हो गई, वो लाओ गैस लगवाओ, क्या करें हम लोग? बाहर तो लोगों ने जाना है, ऐसे तो नहीं। मेरे खुद के दोस्त गए, मेरा बनोइया गया, लेकिन वो तो ऐसे नहीं कह रहे कि हमने देश ही अपना छोड़ दिया, हमने कलमा ही पढ़ना छोड़ दिया। ज्यादातर लोग तंग आ रहे हैं ना भाई, महंगाई जब बढ़ेगी हाथ से ज्यादा ग्रेस करेगी तो यहाँ पर लोग खुदकुशियां भी तो कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कभी नहीं ठीक होंगे, आवाम ही नहीं ठीक है। इतनी महंगाई हुई, किसी ने ये नहीं कहा कि हम बाहर निकलें? कौन नहीं कर रहा बाहर? चाहे घर में मर रहे हैं, जो मर्जी है, इन्होंने बाहर नहीं निकला। 350-350 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। कौन लो है? जिसके पास बाइक है वो बेच रहा है, वो पेट्रोल लो है या बाइक का खर्चा? सिर्फ 8 दिन ये पेट्रोल पंप पे कोई भी गाड़ी या बाइक ना जाए तो ये खुद ही नीचे आ जाएगा। एक पाकिस्तानी नौजवान मुल्क छोड़कर अमेरिका जाता है, अमेरिका जाकर पाकिस्तान की सिटीजनशिप को कैंसिल करके वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले लेता है और लेकर वहाँ पर वो इंडिया का झंडा लहरा कर कहता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या वो सही कर रहा है? डेफिनेटली गलत कर रहा है, लेकिन इसके आप देखें ना, इसके पीछे कौन से अमल पर फरमाया तो क्या कौन से अमामिल हो सकते हैं जो अपने मुल्क के खिलाफ कर दे बंदे? तो यही है आपको सबसे ज़्यादा, ना तो आपको मेडिकल की सहूलतें मिलती हैं, ना महंगाई का जिन आपके काबू में नहीं आ रहा, पेट्रोल नहीं है, गरीब आवाम है और रोज़गार नहीं है, तो फिर वो यही करेंगे और क्या करेंगे ना। तो जुहा दान बड़ी के पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं? नहीं, सिटीजनशिप जो है वो छोड़ने बात नहीं है, वो तो इधर एक ट्रेंड है, जो यूरोप जाता है, अमेरिका जाता है, वो नेशनैलिटी हासिल करता है, रोज़गार कमाता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करता है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे जाके वो कहता है जो पाकिस्तान को छोड़ के या हिंदुस्तान का नारा लगाता है, ये तो गलत हो, ये तो गद्दारी है। अच्छा। ये तो अपने मुल्क जितने भी हालात हैं इधर लोग गुजारा कर रहे हैं लेकिन अपने मुल्क से प्यार करते हैं। अच्छा। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इस मुल्क ने उसको पहचान दिया, यहाँ से वो इसकी नेशनैलिटी लेके वहाँ अमरीका गया ना, यानी कि इसी धरती से वो उसने जन्म लिया है, तो इसके ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं हैं, पाकिस्तानी सारे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हालात और महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बाहर के मुल्कों में जाते हैं जहाँ उनकी स्टेट अच्छी है, उन्होंने आम आदमी के लिए रोज़गार कमाने के मौके रखे हुए हैं, ठीक है ना जी, और वो बंदा कोई भी जाता है वो 2-3-4-5 साल मेहनत करता है, वो स्टेबल हो जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में निज़ाम ख़राब है, यहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं, सियासतदान हैं, जितने भी अच्छे उहदों पर बैठे हुए हैं, अशरफिया बन गए हैं, उनके अपने हालात सही हैं, आम आदमी, गरीब आदमी जो मुतसब तबके का है वो अपने बच्चों को पालने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए वो परेशान है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो हमारा जो इसका निज़ाम है पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो भी थका हुआ है, यानी कि बच्चा बीए एमए कर जाता है लेकिन उसको वो घर में जाके ना जा यार दाल मूँगी दी ले आ, तो उसको नहीं पता ये दाल क्या है, यानी कि हमारा जो है ना शऊर नहीं बढ़ा, एजुकेशन तो बढ़ गया, किताबों का रट्टा लगा के बच्चे पास कर जाते हैं। ओवरऑल हमें ये चाहिए कि सोसाइटी में बच्चों को तरबियत दें, उनको एक हुनरमंद और पढ़ा लिखा बनाएं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें ना, तो इस वीडियो में जो डिस्कस किया जा रहा है वो किया जा रहा है पाकिस्तानी एक बंदा था शान अली के नाम से, आपने कई सारी वीडियो में उसको देखा होगा, जो पहले जब पाकिस्तान में रहता था तब भी पाकिस्तानी सरकार को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता था उसकी नीतियों की वजह से। उसके बाद वो अमेरिका में चला गया, वो जैसा अगर इस वीडियो में बताया जा रहा है न्यूज़ के अनुसार कि उसने पाकिस्तानी सिटीजनशिप जो है ना वो छोड़ दी है और उसने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है, और अब जो है जैसा कि इस वीडियो में बताया जा रहा है कि उसने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ना नारा लगाया, वहाँ पर तिरंगा लहराया। तो अब देखिए पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन आपने इस वीडियो के अंदर देखा है, जज्बाती लोग हैं बेचारे, डायरेक्ट सीधा बोल देते हैं कि ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो भी पाकिस्तानी जब तक पाकिस्तान में रहता है तब तक उसके अंदर जज्बा होता है और वो ऐसी बातें करता है, लेकिन जैसे ही कोई पाकिस्तानी बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि यार ये जज्बा जो था ये तो सिर्फ पाकिस्तान में था, बाहर तो ये काम नहीं आता है। जैसा कि हमने यूक्रेन में देखा था, रशिया और यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी उस टाइम पर हमने देखा था कि कई सारे पाकिस्तानी थे जो यूक्रेन से निकलने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने आप को इंडियन सिटीजन बताया, और काफ़ी बार आपने खुद भी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये बातें होते हुए आपने देखी होगी कि जो भी पाकिस्तानी बाहर जाता है यूके में जाता है चाहे वो अमेरिका में रहता हो, तो वहाँ पर अधिकतर पाकिस्तानी अपने आप को पाकिस्तानी सिटीजन बताते ही नहीं है, वो ये कहते हैं कि इससे जो है ना हमें शर्मिंदगी होती है, इससे हमारी कोई इज्जत नहीं होती है, इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि कई सारे पाकिस्तानी जो बाहर जाकर होटल वगैरह का काम करते हैं
वो वहाँ पर नाम भी इंडियन रखते हैं, जो खाना है व्यंजन है वो भी इंडियन रखते हैं, ताकि उनको ये पता ना चले वहाँ पर लोगों को कि ये पाकिस्तानी है। तो जो इस वीडियो के अंदर बात की जा रही है शान अली के नाम को लेकर कि उन्होंने तिरंगा हाथ में लहराया है और उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो गाना है उसको गुनगुनाया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा बहुत सारे पाकिस्तानी जो है ना विदेशों में जो रहते हैं वो करते हैं। तो बाकी आपने ये पूरी वीडियो देखी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।